गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपैरेटर और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है। अब इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इस ओपैम्प बेस्ड स्मिथ ट्रिगर एज कंपैरेटर। तो स्मिथ ट्रिगर क्या होता है और ओपैम बेस्ड स्मिथ ट्रिगर क्या होता है और जनरल कंपैरेटर में क्या कमी थी जो हमें स्मिथ ट्रिगर बेस्ड कंपैरेटर की तरफ देखना पड़ा, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और आखिरकार क्या कमी थी जो बाकी जो सिंपल कंपैरेटर सर्किट थे वो नहीं कर पा रहे थे जो हमें स्मिथ ट्रिगर का यूज करना पड़ा। तो कैसे हम लोग समझें, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इस तरीके से कोई एक इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से था और इस इनपुट सिग्नल को आपको कंपेयर करना था अपने कंपैरेटर के जरिए और उस कंपैरेटर में आपको आउटपुट जनरेट करना था और जो रेफरेंस सिग्नल था वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ था, इस रेफरेंस सिग्नल के अराउंड आपको चीजें कंपेयर करके आउटपुट देना था। ठीक है, मान लीजिए अगर नॉर्मल केस में अगर आपको आउटपुट जो और जो इनपुट सिग्नल था वो कुछ इस तरीके से रहता, ठीक है, तो नॉर्मली आप कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नॉइज है कहीं पर भी और बहुत ज़्यादा नॉइज के नाते जो सिग्नल है इनपुट आपका वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इस केस में जो आपको आउटपुट पहले इस तरीके से मिलता वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर नॉइज के नाते यहाँ पर अचानक लो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हो कि नॉइज के नाते सिग्नल ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है वहाँ वहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई रहेगा लेकिन यहाँ पर लो हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाई रहेगा फिर यहाँ पर लो हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि स्मिथ ट्रिगर का यूज़ करने से जो नॉर्मल कंपैरेटर सर्किट था उसका यूज़ करने से अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी सिग्नल है, अगर सिग्नल में बहुत ज़्यादा नॉइज है, तो नॉर्मल कंपैरेटर सर्किट का यूज़ करके हम एरर जनरेट कर सकते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा नॉइजी सिग्नल होने पर जो रेफरेंस वोल्टेज है उससे अचानक वोल्टेज नीचे जा सकता है और जिसके नाते हमें आउटपुट जो है जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो वहाँ पर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो स्मिथ ट्रिगर का कॉन्सेप्ट आया। स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करता है। पॉजिटिव फीडबैक देखिए यहाँ पर R1 और R2 दो फीडबैक रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं जो आउटपुट से डायरेक्टली यहाँ पर पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर फीडबैक कनेक्ट कर रहे हैं, सो दिस विल रिजल्ट अ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, और इनपुट देखिए यहाँ पर इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर कनेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक, इस स्मिथ ट्रिगर का सिंबल में आपको जो भी यहाँ पर हम लोग अभी इसका ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करेंगे, तो ट्रांसफर कर्व जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसफर कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है, आउटपुट और इनपुट के बीच में ड्रॉ होता है। तो इस तरीके से एक ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से ये स्मिथ ट्रिगर का सिंबल होता है। ये स्मिथ ट्रिगर का सिंबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टेरेसिस होती है, ये देखिए हिस्टेरेसिस लूप मिल रहा है। ठीक, तो ये स्मिथ ट्रिगर का आपको सिंबल मिलता है, मतलब इस पर्टिकुलर ओपैम्प में अगर ये हिस्टेरेसिस वाला हम सिंबल बना देते हैं तो ये सिंबल हो जाता है स्मिथ ट्रिगर का। ठीक है, स्मिथ ट्रिगर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, स्मिथ ट्रिगर का यूज हम लोग कंपैरेटर के तौर पे करते हैं और आगे चल के मैं इसका यूज दिखाऊंगा कि बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है। एक तो पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है और पॉजिटिव फीडबैक के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड है। दो रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज किए गए हैं, R1 एंड R2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ एजम्पशन करेंगे, वो एजम्पशन कुछ इस तरीके से है कि हम लोग स्टार्टिंग में मानते हैं, इफ वी आर एज्यूमिंग इन स्टार्टिंग दैट वी आउटपुट चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है, तो नॉर्मली जो अभी तक हम लोगों ने सर्किट डिजाइन किया था उसमें सारे के सारे फीडबैक नेगेटिव में थे। नेगेटिव फीडबैक होने पर जो आउटपुट होता है वो कंपैरेटिवली
हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव फीडबैक में जो भी इनपुट है वो डायरेक्टली एम्पलीफाई होकर आउटपुट पर जाएगा। मतलब यहाँ पर आउटपुट जो है आपको दो मिल सकता है, एक मिल सकता है प्लस VSS या फिर माइनस VSS, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं फर्स्ट केस में, केस वन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, केस वन, और केस वन में हमने ये एज्यूम किया कि ये आउटपुट जो है दिस वी आउटपुट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस वी आउटपुट इज इक्वल्स टू प्लस VSS। अगर यहाँ पर वी आउटपुट प्लस VSS है, ठीक है, हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि आउटपुट यहाँ पर क्या है, प्लस VSS है, ठीक है। आउटपुट प्लस VSS कब होगा, आउटपुट प्लस VSS तब होगा जब यहाँ पर इनपुट पे जो वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये चीज समझने की बात है, इनपुट पे वोल्टेज कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर आउटपुट मतलब इनपुट पे वोल्टेज निगेटिव होगा या फिर वो रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा, या फिर वो रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। तो आउटपुट अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी आई डी एम्पलीफाई होगा, वी आई डी की वैल्यू क्या होगी, वी रेफरेंस माइनस वी इनपुट, यहाँ पर वी आई डी की वैल्यू होगी पॉजिटिव वाले पे जो वोल्टेज लग रहा है, या पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव वाले पे जो इनपुट लग रहा है दैट इज वी आर ई एफ, और यहाँ पर निगेटिव वाले पे जो इनपुट लग रहा है दैट इज वी इन। सो वी आर ई एफ माइनस वी इन, तो जब जब यहाँ पर निगेटिव वाले पे वैल्यू ज्यादा होगी तो आउटपुट आपको प्लस वी एस एस मिलेगा, और क्यों, क्योंकि वी आई डी फिर निगेटिव में आएगा, ठीक है। वी आउटपुट इक्वल्स टू आपने प्लस वी एस एस मान लिया, ओके। तो यहाँ पर अगर आपने वी आउटपुट प्लस वी एस एस मान लिया तो अब यहाँ पर बताइए कि ये वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, प्लस वी एस एस मान लिया है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, दैट इज वी आउटपुट, क्योंकि यहाँ से कोई करंट इन नहीं करती, आइडियल ओप एम्प में यहाँ से कोई करंट इन करेगी क्या, कोई करंट इन नहीं करेगी, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर के नाते जरा मुझे बताइए क्या आएगा, वी आर ई एफ, वी आर ई एफ की वैल्यू जरा बताइए क्या आएगी, वी आर ई एफ की वैल्यू आएगी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू वॉट वी एस एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस वी एस एस, सॉरी ये आपका हो जाएगा वी आर ई एफ, ठीक है ना। वी आर ई एफ की वैल्यू में अगर आप आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू को अगर आप बीटा कह देते हैं तो दिस विल बिकम बीटा वी एस एस, ओके। नाउ दिस इज वी आर ई एफ इज इक्वल्स टू बीटा वी एस एस इन पॉजिटिव, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं, अगर यहाँ पर वोल्टेज प्लस बीटा वी एस एस सेट हो गया है, ठीक है, तो आप ये समझिए आउटपुट क्या है, प्लस वी एस एस। तो वी आई डी जरा मुझे बताइए क्या होगा, वी आई डी इस केस में होगा सर, वी आई डी होगा वी आर ई एफ माइनस वी इनपुट, ओके। अगर यहां पर वी आउटपुट पॉजिटिव है, वी आउटपुट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इज पॉजिटिव, वी आउटपुट इज प्लस वी एस एस, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब ये इस चीज को इंप्लाई करता है कि यहां पर वी आई डी, क्योंकि यहां पर इनपुट नेगेटिव पे लग रहा है, ये एम्पलीफाई होगा, इसका मतलब प्लस वी एस एस है, इसका मतलब वी आर ई एफ की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, वी इनपुट से। जब तक यहां पर वी आर ई एफ की वैल्यू वी इनपुट से बड़ी रहेगी तब तक आपका आउटपुट क्या रहेगा, प्लस वी एस एस रहेगा। मतलब यह है कहने का कि ये जो है एक तरीके से आपका यहाँ पर एक सेट कर रहा है थ्रेशोल्ड को, हम इसे कहते हैं वी यू टी, दैट इज कॉल्ड अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एंड अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज प्लस बीटा वी एस एस। मतलब जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बीटा वी एस एस से कम नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बीटा वी एस एस से ज्यादा नहीं हो जाती है तब तक ये आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, प्लस वी एस एस रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये देखिए, ये भी इनपुट इस एक्सिस पर है और वी आउटपुट इस एक्सिस पर है, वी इनपुट इस एक्सिस पे है, वी आउटपुट इस एक्सिस पे है, ठीक है ना। वी इनपुट की वैल्यू जब कम रहेगी इससे, ये है प्लस बीटा वी आर ई एफ, ठीक है ना, प्लस बीटा वी एस एस, जब इससे कम रहेगी तो आउटपुट आपका क्या रहेगा, प्लस वी एस एस रहेगा या प्लस वी सैचुरेशन रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वी इनपुट की वैल्यू बीटा वी एस एस से कम ही होगी, ठीक है ना। अब यहां पर आएगा केस टू, एंड व्हाट इज केस टू, केस टू वो केस है
जिसमें कि हम लोगों ने मान लिया केस टू, एंड व्हाट इज दिस केस टू, केस टू में हम ये कहेंगे कि व्हेन, व्हेन व्हाट इज वी इनपुट क्रॉसेस, वी इनपुट इज मोर देन व्हाट बीटा वी एस एस, या फिर हम लोग कहेंगे वी अपर थ्रेशोल्ड। जैसे ही यहां पर v इनपुट की वैल्यू बीटा वी एस एस या फिर v अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी तो बताइए क्या हो जाएगा, वी आई डी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है, वी आई डी इज इक्वल्स टू एस आर वी आर एफ माइनस v इनपुट, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि सर वी आई डी निगेटिव हो जाएगा, और जब ये एम्पलीफाई होकर मिलेगा आपको यहाँ पर तो वी आउटपुट किस में मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वी एस एस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वी आउटपुट माइनस वी एस एस हो गया, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आउटपुट ये माइनस वी एस एस होगा, ठीक है, वैसे ही इस पूरे के अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो रिफरेंस वोल्टेज है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो रिफरेंस वोल्टेज अब नया क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब आपको माइनस वी एस एस के अराउंड देखना है, तो नया जो वी आर ई एफ आएगा, दिस न्यू वी आर ई एफ, वी आर ई एफ सेकेंड केस में आप डैश लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेम रहेगा आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, बस एक चेंज ये आ जाएगा कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस वी एस एस आ जाएगा, मतलब आप सेम इसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं माइनस बीटा वी एस एस, ओके। सो नाउ दिस इज कॉल्ड लोअर थ्रेशोल्ड, वी एल टी मीन्स दिस इज कॉल्ड लोअर थ्रेशोल्ड, मतलब एक नया वोल्टेज अब जनरेट हो गया, और वो नया वोल्टेज क्या है, माइनस बीटा वी एस एस, माइनस बीटा वी एस एस मतलब, माइनस बीटा वी एस एस मतलब ये वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब अब जब भी वी इनपुट की वैल्यू इससे बड़ी रहेगी वी लोअर थ्रेशोल्ड से, तो आपका आउटपुट मेंटेन रहेगा क्या, माइनस वी एस एस, ओके। इसका मतलब अब हमें यहां पर दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज मिल गई, एक कौन सी मिल गई, अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गई, और दूसरी कौन सी मिल गई, लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। एक मिल गई आपको अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू और दूसरी मिल गई आपको लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, प्लस बीटा वी एस एस है, ठीक है, एंड लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, माइनस बीटा वी एस एस है, ठीक है। अब अगर इसे थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, अब मैं यहां पर कंडीशंस को लिखता हूं। पहली कंडीशन सर हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट की कि वी आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट विल बी प्लस वी एस एस। कब होगा वी आउटपुट प्लस वी एस एस, जबकि यहाँ पर वी इनपुट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, वी अपर थ्रेशोल्ड से। और वी अपर थ्रेशोल्ड क्या है, वी अपर थ्रेशोल्ड है, वी अपर थ्रेशोल्ड है क्या, बीटा वी एस एस, ओके। और जैसे ही वी आउटपुट की वैल्यू निगेटिव कब हो जाएगी, वी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी एस एस, कब रहेगी माइनस वी एस एस, जैसे ही आपका वी इनपुट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन किससे रहेगी, वी इनपुट की वैल्यू ज्यादा रहेगी किससे, वी लोअर थ्रेशोल्ड से। एंड वी लोअर थ्रेशोल्ड क्या है, वी लोअर थ्रेशोल्ड है आपका माइनस बीटा वी एस एस, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफर कर्व इस पूरे के पूरे उसके बेसिस पे बनाता हूँ, इस पूरे के पूरे डिस्कशन के बेसिस पे, तो ट्रांसफर कर्व मतलब किसके किसके बीच में बनता है भाई, ट्रांसफर कर्व बनता है वी इनपुट एंड वी आउटपुट के बीच में, ठीक है। अगर आपने प्लस वी एस एस को यहाँ माना हुआ है और माइनस वी एस एस को आपने यहाँ पर माना हुआ है, तो ऐसे ही वी इनपुट पर भी प्लस वी एस एस यहाँ कहीं होगा और माइनस वी एस एस यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर बीटा वी एस एस को मैंने यहाँ मान लिया एंड माइनस बीटा वी एस एस को यहाँ मान लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बताइए, जब इनपुट की वैल्यू, जब इनपुट की वैल्यू ये क्या है, दिस इज वी अपर थ्रेशोल्ड, और ये क्या है साहब, ये है वी लोअर थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, ये क्या है प्लस बीटा वी एस एस, ये क्या है माइनस बीटा वी एस एस, ओके। अब मैं बता रहा हूं कि अब
आप बताइए इस पूरे के पूरे डिस्कशन से, आप करें जब बी इनपुट वी एल यूटी से क्या है, छोटा है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, प्लस वी एस एस आ रहा है। इसका मतलब इसके पहले आउटपुट आपका क्या आएगा, इससे पहले जब वी इनपुट यहां पर है ना, वी इनपुट जब वी इनपुट वी यूटी से छोटा रहेगा तो आउटपुट बताइए यहां पर क्या आएगा, दिस विल बी प्लस वी एस एस। ओके ओके, जब वी यूटी, जब वी इनपुट वी एल टी से बड़ा होगा, सॉरी वी इनपुट क्या होगा, वी एल टी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा आउटपुट यहां पर क्या है, प्लस वी एस एस है, ठीक है। कब तक ये प्लस वी एस एस था, ये कब तक प्लस वी एस एस है, जब तक कि वी इनपुट छोटा है, किससे छोटा है, वी यूटी से, ठीक है। और जैसे ही वी इनपुट क्या होगा, जैसे ही वी इनपुट वी यूटी से बड़ा हो जाएगा, तुरंत ये आउटपुट बताइए कहां चला जाएगा, एट दैट टाइम ये आउटपुट चला जाएगा माइनस वी एस एस पे। अभी तक देखिए, जब तक आपका वी इनपुट वी यूटी से छोटा था, आउटपुट क्या था, प्लस वी एस एस था, लेकिन जैसे ही आपका ये वैल्यू क्या हुई, बड़ी हो गई, किससे, वी इनपुट की वैल्यू बड़ी हो गई, किससे, वी यूटी से, ठीक है, तुरंत ही जैसे ही आपकी वी इनपुट की वैल्यू, जैसे ही आपकी वी इनपुट की वैल्यू क्या हो गई, वी इनपुट की वैल्यू बीटा वी एस एस वी यूटी से बड़ी हो गई, तुरंत ही वी आपका वी आउटपुट क्या हो गया, वी आउटपुट आपका हो गया क्या, माइनस वी एस एस, ठीक है। तो वी आउटपुट आपका क्या हो गया, माइनस वी एस एस, ठीक है, वी आपका वी आउटपुट यहां पहुंच गया माइनस वी एस एस में, और जब तक ये बड़ी रहेगी तब तक ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने कहा सर ऐसा नहीं ना कि इनपुट की वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी, हो सकता है इनपुट की वैल्यू छोटी भी हो, तो सर ये कैसे होगा कि इनपुट की वैल्यू बड़ी और छोटी हो रही है। देखिए, अब मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले ले रहा हूँ, ठीक है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है साहब, ठीक है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल, मैंने कहा कि भाई ये पॉजिटिव तक जा रहा है, निगेटिव तक जा रहा है, प्लस वी एस एस माइनस वी एस एस, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि बहुत स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी, ठीक है ना, और फिर वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस वैल्यू पर आई, ठीक है ना, और उसके बाद भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो अगर वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस वी एस एस ही रहेगा, लेकिन इनपुट की वैल्यू माइनस वी एस एस से ज्यादा तो इंक्रीज करेगी नहीं, फिर अगर साइनोसॉइडल होगा तो फिर वो डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, डिक्रीज करने पर भी ये वैल्यू कहाँ रहेगा, माइनस वी एस एस पर ही रहेगा, और कब तक माइनस वी एस एस पर रहेगा, जब तक कि ये वैल्यू क्या हो जाती है, जब तक कि ये वैल्यू वी लोअर थ्रेशोल्ड से आपका ये वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती है, मतलब जब तक कि यहां पर लोअर थ्रेशोल्ड सेट हो गया है। अब देखिए, जब आपका यहां पर, अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहां पर, जब यहां पर आउटपुट ये माइनस वी एस एस सेट हो गया, ठीक है, तो यहां पर बताइए क्या आ गया, माइनस बीटा वी एस एस, ठीक है, यहां पर आ गया माइनस बीटा वी एस एस, ठीक। अब वी आई डी की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, वी आई डी की वैल्यू वही है, वी आर ई एफ माइनस वी इनपुट, ठीक है। अब जब वी आर ई एफ की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, किससे, वी इनपुट से, ठीक है, वी आर ई एफ की वैल्यू बड़ी हो जाएगी वी इनपुट से, मतलब वी इनपुट की वैल्यू छोटी हो जाएगी, किससे, वी आर ई एफ से, तब जाके अब ये आउटपुट यहां पर फिर वापस प्लस वी एस एस हो जाएगा, ठीक। तो वापस प्लस वी एस एस कब होगा, जब यहां पर ये वाली वैल्यू, वी आर ई एफ वाली वैल्यू, ठीक, ये बड़ी हो जाए, ठीक, और वी इनपुट की वैल्यू माइनस बीटा वी एस एस से भी कम चली जाए, तो अचानक तो जाएगी नहीं, अब देखिए वैल्यू तो इंक्रीज कर रही थी, ठीक ना, वो वैल्यू इंक्रीज करते करते यहां पहुंची, ठीक ना, अब वो डिक्रीज करना शुरू कर रही है, तो कितने तक डिक्रीज करेगी, जब वो माइनस बीटा वी एस एस तक डिक्रीज करेगी, जब वो यहां तक पहुंच जाएगी वी इनपुट की वैल्यू, तो फिर वापस ये जो है यहां पर इस तरीके से फिर वापस जो है वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, प्लस वी एस एस तक पहुंच जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, प्लस वी एस एस तक पहुंच जाएगी, ओके। और इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिल रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो यही हिस्टेरेसिस कर्व होता है जो कि एग्जिस्ट करता है कहां कहां के बीच में, वी यूटी और वी एल टी के बीच में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा इस ग्राफ को हो सकता है आपको कुछ डाउट रह गया हो, तो उसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा बेटर तरीके से। ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक क्या है साहब VUT है और एक क्या है, एक है आपका VLT। तो VUT पे हम लोगों ने एक मार्किंग कर ली साहब, हम लोगों ने एक मार्किंग VLT पे, ठीक है ओके। अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हम पॉइंट मानते ए, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉइंट ए पर ये वी इनपुट है, वी इनपुट है, ठीक। स्टार्टिंग में क्या था, वी इनपुट की वैल्यू क्या थी, बहुत निगेटिव थी, ठीक ना, माइनस वी एस एस के अराउंड थी, ठीक ना। जब वी इनपुट की वैल्यू माइनस वी एस एस के अराउंड थी, ठीक ना, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, वी आउटपुट की वैल्यू चूंकि आपको पहले से पता है कि वी इनपुट इनवर्टिंग वाले पर लगा हुआ है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, प्लस वी एस एस होगी। और जब प्लस वी एस एस होगी आउटपुट की वैल्यू, तो वी आर ई एफ कौन सा सेट होगा, अपर थ्रेशोल्ड वाला सेट होगा, अपर थ्रेशोल्ड वाला सेट होगा, मतलब यहां पर प्लस बीटा वी एस एस यहां पर वी आर ई एफ रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर यहां पर जो इनपुट वैल्यू है वो ये है, और यहां पर आउटपुट क्या है, प्लस वी एस एस है, ठीक है। अब यहां से कर देखिए स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे आप इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे ही इनपुट की वैल्यू इसको क्रॉस करते हुए प्लस वी यू टी तक पहुंचेगी, जैसे यहां पर पहुंचेगी, ठीक है ना, ये देखिए चलते चलते ए से लेकर के बी तक पहुंचा, ठीक, ए से लेकर के बी तक पहुंचा, ठीक। जैसे ही यहां पर बी पर पहुंचा, तो अब बी पर बताइए क्या होगा, बी पर यहां पर तुरंत ही आप देखेंगे कि वी इनपुट की वैल्यू जो होगी वो वी आर ई एफ से ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, इसके बाद जब v इनपुट की वैल्यू VREF से ज्यादा हो जाएगी, और फिलहाल जो VREF सेट है वो VUT सेट, तो फिलहाल के VREF से ज्यादा हो गई, जैसे ये फिलहाल के VREF से ज्यादा हुई, तुरंत ही v out, चूंकि v इनपुट इनवर्टिंग वाले पे लगा हुआ है, तो तुरंत ही ये क्या हो जाएगा, आउटपुट को सेट करेगा माइनस VSS पे, मतलब यहां पर देखिए ये आउटपुट आपका सेट हो गया कहां पर, ये आउटपुट हो गया माइनस वीएसएस, ये तुरंत इस बी प्लस पॉइंट आप इसे कर सकते हैं, मतलब जैसे ही उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तुरंत यहां पर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। बी से सी तक क्या होगा, बी से सी तक, अब देखिए जैसे ही आप बी प्लस से आगे बढ़े, तो तुरंत उस बी प्लस पे अब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अब आउटपुट पे प्लस वीएसएस नहीं रह गया है, अब आउटपुट पे माइनस वीएसएस हो चुका है, तो अब ये वाला थ्रेशोल्ड काम नहीं करेगा, कौन सा थ्रेशोल्ड काम करेगा, वीएलटी वाला थ्रेशोल्ड काम करेगा, मतलब जब आउटपुट पे माइनस वीएसएस आ गया तो अब लोअर थ्रेशोल्ड काम करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बी प्लस से आगे बढ़े, आप आगे गए, ठीक है ना, सी पर पहुंचे, तो सी पर भी वही कंडीशन है, क्यों, क्योंकि अभी भी आपका यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है ना, वो वीआरईएफ से कहीं जाते हैं, इनपुट वोल्टेज VREF मतलब ये VLT से कहीं जाते हैं, तो VLT से कहीं जाते हैं, तो आउटपुट क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अब फिर जैसे ही आपने C से D पे पहुंचे, तो ये C तक पहुंचा, और वही D मतलब यही वापस V प्लस, ठीक ना, वापस यहां तक आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उसके बाद क्या होगा, अब आप ये D पर आए, फिर D से आप E पर आए, मान लीजिए E मतलब जैसे आपने इनपुट, ये देखिए यहां पर भी भले ही आपका इनपुट जीरो हो गया, लेकिन आउटपुट क्या रहेगा, माइनस वीएसएस सेट रहेगा, क्यों माइनस वीएसएस सेट रहेगा, क्योंकि अभी भी ये वीआरईएफ, फिलहाल का वीआरईएफ, फिलहाल का वीआरईएफ क्या है, वीएलटी है, वो उससे कम ही है, ठीक है। और फिर आपने और आगे बढ़ाया इसे, ठीक, यहां पर पहुंचे, ठीक, यहां पर पहुंचे तो क्या हो जाएगा बताइए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ईएफ एफ। जैसे ही आप एफ पॉइंट पर आए, जैसे ही आपने F पॉइंट पर आए, तो F पॉइंट पर अब क्या होगा कि ये V इनपुट जो है, ठीक है, अभी भी VLT से कम है, लेकिन अब approximately equal हो चुका है। जैसे ही आप F plus पर आएंगे, मतलब जैसे ही आप VLT से ज्यादा होंगे, तुरंत ही अब reference वाला voltage ज्यादा हो जाएगा,
और इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। जब इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, इन्वर्टिंग वाला वोल्टेज कम हो गया, तो अब आउटपुट माइनस वीएसएस से कहां स्विच कर जाएगा, प्लस वीएसएस पे स्विच कर जाएगा। मतलब एफ प्लस पर, एफ प्लस पर ये आउटपुट जो है, एफ प्लस पर ये जो आउटपुट है ये माइनस वीएसएस पे कहां स्विच कर जाएगा, प्लस वीएसएस पे स्विच कर जाएगा। अब प्लस वीएसएस पे जैसे ही स्विच करेगा, ठीक है ना, जैसे ही एफ प्लस पे ये, जैसे ही एफ प्लस पे प्लस वीएसएस पे स्विच किया, ठीक है ना, वैसे ही तुरंत, ठीक है, यहां पर अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वीएलटी नहीं रह जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब ये वीयूटी वाला एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अब आउटपुट का वोल्टेज क्या है, प्लस वीसीसी, ठीक है ना। तो यहां पर अब ये वीयूटी वाला थ्रेशोल्ड एक्टिवेट हो जाएगा, जब वीयूटी वाला थ्रेशोल्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो अब यहां पर ये वोल्टेज अब आप कम होते जाए, भले ही यहां पर कम होता जाए, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज देखिए कम हो रहा है निगेटिव में, मतलब एफ से आप जी तक चले गए, तो यहाँ पर F प्लस से आप G पर गए, ठीक ना, फिर G से आप H पर आए, तो वापस यहाँ पर G से आप यहाँ पर गए, फिर आप G से यहाँ पर H पर आए वापस, और H से फिर आप E F I तक आइए, मतलब वापस यहाँ पर B I तक आइए, तो इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से जो कर्व बनता है, आप देख रहे हैं हिस्टेरिसिस टाइप ऑफ कर्व बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में ट्रेवलिंग हो रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन, और इसमें इस तरीके से ट्रेवलिंग, ठीक है। तो ये आपका स्मिट ट्रिगर काम करता है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसका यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ करना चाहेंगे तो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक है, ड्रॉ आउटपुट, आउटपुट अगर आप ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, तो ये बताइए, जब यहाँ पर इससे पहले, इससे पहले, ठीक है, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक आपका आउटपुट क्या था, ए से लेकर के बी तक आपका आउटपुट था प्लस वीएसएस, मतलब यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर प्लस वीएसएस रहेगा, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा, ठीक। लेकिन अब नया थ्रेशोल्ड कौन सा है, नया थ्रेशोल्ड ये वाला है, तो जब ये एफ पर वापस पहुंचेगा तो ये माइनस वीएसएस से फिर वापस यहाँ कहाँ स्विच करेगा, प्लस वीएसएस पे स्विच करेगा, फिर कब तक वहां पर रहेगा, अभी अपर थ्रेशोल्ड वाले से स्विच करेगा, ना कि इससे, अभी इससे स्विच नहीं करेगा, अब किससे स्विच करेगा, अपर थ्रेशोल्ड, क्योंकि अब आउटपुट यहाँ पर प्लस वीएसएस हो चुका है, तो अब यहाँ से स्विच करेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आउटपुट आपका कर्व शो करेगा, जो कि प्लस वीएसएस और माइनस वीएसएस के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब जो इसके बीच में ये जो वोल्टेज आता है, ये जो वोल्टेज आता है आप देख रहे हो, ये आप इसे क्या कहोगे, ये कहोगे आप, ये जो आता है ना, ये पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड वी एच, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस वोल्टेज, हिस्टेरिसिस वोल्टेज, एंड हिस्टेरिसिस वोल्टेज क्या होगा, प्लस बीटा वी सेट इधर, प्लस बीटा वी सेट इधर, एंड प्लस बीटा वी सेट इधर, मींस यहां पर क्या हो जाएगा, वी एच की वैल्यू हो जाएगी, वी एच इज इक्वल्स टू टू बीटा वी सेट, या फिर 2 बीटा VCC, ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा, 2 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू VCC, ओके, इसमें हिस्टेरिसिस वोल्टेज इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो स्मिट ट्रिगर डिजाइन किया, उस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हमने स्मिट ट्रिगर डिजाइन किया, उसमें जो हमने इनपुट वोल्टेज लगा रखा था वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा रखा था, ऐसे ही हम लोग यहां पर वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज था उसके बजाय हम लोग कहां पर लगा सकते हैं, वाकई में यहां पर ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी वोल्टेज लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन उस केस में आप देखिए जो हिस्टेरिसिस कर्व आएगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, दोनों के हिस्टेरिसिस कर्व का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर कर्व में इधर से इधर ट्रेवलिंग हो रही है, इस तरीके से आप कहेंगे क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग है, ठीक है। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज ही रहेगा, ओके। इन माय थॉट अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। कोई डाउट है किसी का, कोई चीज, कोई पोर्शन आप चाहते हो कि इस पोर्शन को मैं रिपीट करूं, या कहीं किसी पोर्शन पर डाउट है तो आप बताइए।